हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शौकत और आप देख रहे हैं वानर रियलिटी। साल 1985 की बात है। समंदर के किनारे एक शख्स मौजूद होता है। वो लाइट हाउस पर डेली की तरह अपना काम कर रहा होता है। यहाँ पर समंदर से आई हुई एक लड़की की वो जान बचाता है, जो कि अटलांटिस की शहजादी होती है। दरअसल अटलांटिस पानी के अंदर रहने वाले एक बहुत बड़े सिटी का नाम है, जहाँ से ये लड़की आई होती है। ये दोनों बहुत सा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारते हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और कुछ वक्त के बाद शादी भी कर लेते हैं। और अब कुछ वक्त गुजरने के बाद इनके यहाँ एक बेटा पैदा होता है, जिसका नाम आर्थर है। आर्थर के पास एक ऐसी पावर होती है, जो कि वो तमाम पानी के अंदर रहने वाले जानदार से बात कर सकते हैं। कुछ वक्त गुजरने के बाद अब हम देखते हैं कि अटलांटिस सोल्जर इनके घर पर आ जाते हैं। इन अटलांटिस सोल्जर का बुनियादी मकसद अटलांटिस की शहजादी को वापस ले जाना होता है, क्योंकि वो उस पर अटैक करते हैं तो मजबूरन शहजादी को अपनी फैमिली और अपने बेटे को छोड़ना होता है, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करती तो ये सोल्जर की फैमिली को मार देते, तो उनकी जान बचाने के लिए वो उनके साथ वापस चली जाती है। शहजादी को अपने एक खास एडवाइजर पर भरोसा होता है और वो उसे कहती है कि तुम आर्थर को ट्रेन करो, तुम उसे एक ऐसा स्किल वॉरियर बनाओ ताकि वो लड़ने के तमाम गुण सीख सके। बिल्कुल ही हमारी तरह आर्थर अब बड़ा हो चुका था। आर्थर को बुलाया जाता है कि तुम अटलांटिस वापस आ जाओ, क्योंकि तुम पहले बैठे हो वहाँ के किंग बन सकते हो। लेकिन आर्थर आने से इनकार कर देता है, सिर्फ इस बात पर कि उसकी माँ को सिर्फ इस वजह से मारा गया था कि उसने एक इंसान से प्यार किया था, उससे शादी की थी और मैं उनमें से हुआ एक हाफ ब्रीड बेटा हूँ, मेरे लिए वजह बिल्कुल फजूल है, मैं अटलांटिस बिल्कुल नहीं आऊंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ पायलट रशियन सबमरीन को लूट रहे होते हैं और यहाँ पर आर्थर आकर इनको बचाता है। लड़ाई के दौरान इन पायलट का लीडर मर जाता है, जिसको आर्थर मारता है, और इसके लीडर के मरने वाले बेटा डेविड भी वहाँ पर मौजूद होता है। डेविड जब देखता है कि आर्थर यानी कि एक्वामैन ने उसके फादर को मार दिया है, तो वो उससे बदला लेने का ठान लेता है। अब हम एक मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम ऑरम है। ये अटलांटिस का किंग बनने वाला होता है और ये आर्थर का सौतेला भाई भी है, जो पानी के अंदर रहता है, यानी कि अटलांटिस के अंदर रहता है। ऑरम मुख्तलिफ किंग से मिलता है। ये किंग अटलांटिस के आस पास किंग होते हैं, जो कि पानी के अंदर ही होते हैं। ऑरम उनमें से एक किंग से कहता है कि हमें जमीन पर रहने वालों पर हमला करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे समंदर को गंदा कर रहे हैं। लेकिन वो किंग इस बात पर एग्री नहीं होता, लेकिन वो ये भी देखता है कि ओरम का साथ बाकी किंगडम में रहने वाले चार बादशाहों ने दे दिया, तो ओरम को ओशन मास्टर का टाइटल मिल जाएगा, यानी कि ओरम कमांडर बन जाएगा। अब उस किंग और ओरम की बात चल रही होती है कि एक रशियन सबमरीन आती है और वो उन पर अटैक कर देती है। यहाँ पर ओरम उस किंग की जान बचाता है। ये सब देखते हुए वो किंग ओरम का साथ देने के लिए रजामंद हो जाता है। उस किंग की बेटी का नाम मीरा होता है, जिसकी शादी ओरम से होने वाली होती है, लेकिन वो उसे शादी नहीं करना चाहती और उसको एक ही तरीका नजर आता है, जो कि आर्थर है। उसको लगता है कि आर्थर अगर इधर आ जाए तो ओरम किंग नहीं बनेगा, और वो जमीन पर जाती है। यहाँ वो आर्थर से मिलती है और हेल्प मांगती है कि तुम पानी में आ जाओ, क्योंकि तुम बड़े बेटे हो तो तुम किंग बन सकते हो। लेकिन आर्थर पानी में जाने से इनकार कर देता है, लेकिन कुछ वक्त के बाद मीरा उसका भरोसा जीत लेती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी लहर ओरम ने जमीन की तरफ भेजी होती है, जहाँ पर मीरा आर्थर के फादर की जान बचाती है। आर्थर ये सब कुछ देखता है और उसका मीरा की तरफ ट्रस्ट बन जाता है, और वो मीरा के साथ पानी में आ जाता है, जहाँ पर आर्थर अपने टीचर से भी मिलता है, जिसने उसे तमाम लड़ने के स्किल सिखाए थे। ये वही सोल्जर है जो उसकी मदर का सबसे भरोसेमंद आदमी था। ये दोनों आर्थर को बताते हैं कि तुम्हें ट्राइडेंट को ढूंढना है, इसमें बहुत सी ताकत होती है और बहुत सा जादूगर है। जिसको भी ये ट्राइडेंट मिल गया, उसको बगैर सवाल पूछे किंग बना दिया जाएगा, क्योंकि उस ट्राइडेंट के अलावा ओरम तुम्हें कभी किंग नहीं बनने देगा। वो तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगर तुम इससे लड़कर भी क्लेम करना चाहोगे, तब भी वो तुम्हें जीतने नहीं देगा। अभी बात हो रही होती है कि ओरम के कुछ सिपाही यहाँ पर आकर अटैक कर देते हैं और आर्थर को पकड़ लिया जाता है। आर्थर को जंजीर से जकड़े हुए ओरम के सामने पेश किया जाता है। ओरम इस पर इल्जाम लगाता है कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ की जान गई है। ओरम फिर भी उसका भाई होता है, जो कि कहता है कि मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ और कभी पानी में लौट कर ना आना। लेकिन आर्थर उससे गुस्सा हो जाता है और उसको चैलेंज करता है कि मैं तुमसे फाइट करूंगा। यहाँ पर आर्थर और ओरम के दरमियान एक फाइट हो जाती है, लेकिन आर्थर जमीन पर रहता है, इसलिए आर्थर का ओरम को हराना बहुत ही मुश्किल था। लड़ाई जारी रहती है और आखिरकार आर्थर मरने वाला ही होता है कि मीरा वहाँ पर आ जाती है और आर्थर को बचा लेती है। अब जिस ट्राइडेंट की ये लोग तलाश कर रहे होते हैं, उसको हासिल करने के लिए ये लोग सहराए रेगिस्तान जाते हैं। ये सहराए रेगिस्तान में ये वही जगह है जहाँ पर ये ट्राइडेंट बनाया गया होता है। यहाँ पर इन्हें एक होलोग्राफिक मैसेज मिलता है, जो इशारा करता है कि उनको इटली जाना है और वही उनको ट्राइडेंट मिलेगा। ये ट्राइडेंट उस वक्त का मौजूद है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओरम डेविड से मिलता है,
डेविड वही शख्स है जो मरने वाले पायलट का बेटा था और एक्वामैन से बदला लेना चाहता है। और यहाँ पे डेविड को अटलांटिस का एक खास सूट भी देता है। ये बहुत ही खास किस्म का सूट होता है जो कि सिर्फ अटलांटिस सोल्जर के पास ही होता है। डेविड इस सूट को चेक करता है और इसे देखकर बहुत खुश होता है कि अब इसका बदला पूरा हो जाएगा ऑथर को मारकर। यहाँ पर ऑरम एक और पानी में रहने वाले किंगडम जिसका नाम किंगडम ऑफ फिशरमैन है इनके किंग को मार देता है और वो उनको मजबूर करता है कि वो ऑरम का साथ दे क्योंकि किंगडम ऑफ फिशरमैन का किंग मर चुका होता है। वो क्वीन और प्रिंस को फोर्स करता है और उन्हें कहता है कि तुम पहली कतार में यानी कि तुम जंग की पहली कतार में लड़ोगे। और अब हम डेविड को देखते हैं जो ऑरम की तरफ से दिए गए सूट को कुछ बदलता है और अपने लिए एक सुपर हीरो सूट बनाता है। ये इसका नाम ब्लैक मीटा रखता है। डेविड इस सूट को पहनकर बहुत पावरफुल हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि ऑर्थर और मीरा इटली की तरफ जा रहे होते हैं उन्हीं कोऑर्डिनेट्स की तलाश में और ये वहाँ पर अटैक कर देता है। यहाँ पर डेविड यानी कि ब्लैक मीटा और ऑर्थर की बहुत लड़ाई होती है। आखिरकार ऑर्थर डेविड को पहाड़ से नीचे फेंक देता है लेकिन इस लड़ाई के दौरान ऑर्थर बहुत जख्मी हो जाता है। मीरा ऑर्थर के जख्मों को ठीक करती है और उसका हौसला बढ़ाती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें किंग बनना है और तुम इस तरह कमजोर नहीं हो सकते। और अब वो ट्राइडेंट की तलाश में निकल पड़ते हैं। सफर के दौरान ये लोग मुख्तलिफ मॉन्स्टर का सामना करते हैं और इनसे बचते बचाते बहुत मुश्किल से जमीन के दरमियान वाले हिस्से में पहुंच जाते हैं यानी ये पूरी जमीन का सेंटर होता है। यहाँ पर वो पहली बार अपनी माँ को देखते हैं यानी कि क्वीन अटलाना जिसने खुद की कुर्बानी दे दी होती है इस ट्रेंच में आकर। इस ट्रेंच में आने का मतलब बहुत फांसी है लेकिन क्वीन अटलाना भी मर चुकी होती है उसको कुछ नहीं हुआ होता और वो काफी अरसे से यहाँ पर अपनी लाइफ गुजारी होती है। और अब ऑर्थर और मीरा भी यहाँ पर आ जाते हैं। ये तीनों आपस में मिलते हैं और अभी ये ट्राइडेंट के बहुत करीब है लेकिन ऑर्थर यहाँ से अकेला ही आगे जा सकता है। मीरा या उसकी माँ उसका साथ नहीं दे सकते। ऑर्थर आगे बढ़ता है ट्राइडेंट की तलाश में। उसको वो ट्राइडेंट मिल जाता है लेकिन जब वो उसे हासिल करना जा रहा होता है तो उस पे लिवियोथन अटैक कर देता है। दरअसल लिवियोथन ट्राइडेंट की हिफाजत करने वाला होता है। लिवियोथन ड्रैगन और सांप की तरह का होता है और वो इसे ये भी कहता है कि यहाँ पर इसे जो भी हासिल करने को आया था मैंने उसे मार दिया क्योंकि वो वर्दी नहीं था। जैसा कि हमने शुरू में बात की थी कि ऑर्थर समुद्री मखलूक से बात कर सकता है तो ये उससे बात करता है तो लिवियोथन उसे कहता है कि तुम मुझे सुन सकते हो क्योंकि आज से पहले किसी ने भी मुझे नहीं सुना। ऑर्थर उसे अपनी बात बताता है और क्लेम करता है कि इस ट्राइडेंट का हकदार मैं ही हूँ। बिलाखिर लिवियोथन ऑर्थर की बात मान लेता है और ऑर्थर उस ट्राइडेंट को हासिल कर लेता है। इस ट्राइडेंट को हासिल करने के बाद ऑर्थर के पास पावर आ जाती है और उसका कॉस्ट्यूम भी चेंज हो जाता है। समंदर के अंदर रहने वाले तमाम किंगडम ऑरम का साथ दे रहे होते हैं इसी वजह से ऑरम खुद को ओशन मास्टर का टाइटल दे देता है यानी कि अब इसका हुक्म चलेगा। यहाँ पर ऑरम का साथ देने वाले किंगडम को पता चलता है कि ऑर्थर ने ट्राइडेंट हासिल कर लिया है और रूल और कानून के मुताबिक जिसके पास ट्राइडेंट होगा वही असली किंग होगा वही ओशन मास्टर का हकदार होगा। उससे कोई सवाल जवाब नहीं पूछा जाएगा। इनको पता चलता है कि अब ट्राइडेंट ऑर्थर के पास है तो ऑरम को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि ट्राइडेंट हासिल करने से कुछ नहीं होता जो सबसे ज्यादा बहादुर होगा जिसके पास ज्यादा स्किल होंगे वही ओशन मास्टर होगा वही सब किंगडम पर राज करेगा वही हुकूमत चलाएगा। यहाँ पर एक बार फिर ऑर्थर और ऑरम की लड़ाई होती है जो एक सब महरीन पर हो रही होती है। ऑर्थर ऑरम को इस लड़ाई में हरा देता है लेकिन वो इसको जान से नहीं मारता और उसको जिंदा छोड़ देता है। और यहाँ पर क्वीन अटलांटा भी सामने आ जाती है और वो जब देखता है कि ऑर्थर ने उसकी माँ की जान बचाई है तो वो अपनी हार मान लेता है वो खुद की कुर्बानी दे देता है और अटलांटिस के सोल्जर्स उन्हें पकड़ कर ले जाते हैं। यहाँ पर मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो एक लाइक तो बनता है।